फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना दो हमेशा ही कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी का प्यार मेरे साथ से सब कुछ बहुत अच्छा है। ये देखिए पीछे मेरी मासी का घर है और इधर देखिए पेड़, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पर। तो अभी जा रहे हैं छत पे, हाथ में कपड़ा और खाने में बना है पालक दाल और चावल, रोटी, सहड़े का पत्ता, मतलब हम लोग यहाँ सेंगड़ा बोलते हैं, वही बना है और बेबी के कपड़े डालने डाल दे रहे हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि आज धूप हुई है। कल धूप मतलब हवा चल रही थी इसी वजह से इसके सारे कपड़े ना डालने बहुत ज़रूरी है। मेरे कपड़े सूखे ना सूखे, इसके कपड़े सूखने, इतना ज़्यादा लैट्रिन कर रहा है, इतना ज़्यादा पोटी कर रहा है कि दिमाग नहीं काम कर रहा। अभी सुबह से 4-5 बार कर चुका, सुबह के इसने सुबह 4 बजे ही पोटी कर दिया था, 4 बजे, और तब से मेरा तब से धुलते धुलते अभी मौसी का सारा बिस्तर खराब कर दे रहा है। और अभी गई है मौसी उसकी दवा लाने, दवा लेके आएंगी। डाल देते हैं इसको, ये कपड़े ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रामायण हो रहा है कहीं पे, मतलब जब से मैं आई हूँ उसके एक दिन से बाद से हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है ना, और वहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा ससुराल है, वहाँ पे हरियाली नहीं है इस वजह से। और ये देखिए घर का नज़ारा, ये जो ये खेत में हो रखा है चाय, ये कह रहे हैं चाय, गाय का चारा है, भैंस का चारा कर भी शायद मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है इसके बारे में। और देखिए सब खेत में धान लग चुका है, सारे खेतों में धान लग चुका है, सारे खेतों में धान लग चुका है, धान धान, बस इस समय धान की खेती हो रही है इधर तो। और हम लोग यहाँ सोनभद्र में भुट्टा हो रहा होगा, और भुट्टा और क्या बोलते हैं, किसकी खेती हो रही होगी, हाँ भुट्टे की ही खेती हो रही होगी इस टाइम पे। और खीरा लगाया जाता है और भुट्टा लगाया जाता है, मतलब बड़ा बड़ा हो गया होगा, बारिश का इंतज़ार, क्योंकि इधर पहाड़ी एरिया है तो पानी वानी तो बरसता नहीं है, तो जब बारिश का टाइम आता है तभी ये सब लगाते हैं। और सब्जियां बहुत सारी लगा देते हैं, जैसे कि लौकी हो गई, कद्दू हो गई, जो पानी जो ज़्यादा लिक्विड जिसमें होता है वो सारे, और सारी सभी सब्जियाँ, भिंडी वगैरह सारी चीज़ें, तो वही सब है। और ये देखिए यहाँ पर वो बकाइन का पेड़ और ये फूल का पेड़, ये जो मेरे यहाँ है वही पौधा है, वहाँ से आया है। अंगूर और पपीता, गुड़हल, उधर नीचे गमला है रखा हुआ, ये ना ये इसमें दूध पकाती हैं मासी, वही वाला रखा हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है इधर, मस्त लगता है, मतलब सुकून मिलता है ना आके। ये मौसा जी जाएंगे ड्यूटी पे, अभी गए हैं खेत, शायद भैंस को चारा लेके आने गए हैं, दिखाते हैं आपको। भैंस बैठी है और ये इसकी बच्ची, ये भैंस, तो अभी छत से आ गया है पूरा कपड़ा लेके, मौसी आई हैं लेके और हम यहाँ पे लेटे हुए हैं चुपचाप, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, सुबह सारा काम हो जाता है, फिर लेटना
फिर एक दो क्लासेस में वो उसकी सीटेट वाली सोच रही हूँ तैयारी कर लूँ, क्योंकि आज नहीं पढ़ा, मतलब 2-3 दिन से नहीं पढ़ा, कुछ माइंड डिस्टर्ब चल रहा है तो इस वजह से नहीं पढ़ाई हो रही है। और तो मोबाइल से ही पढ़ना है, बुक वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास। बुक जो है वो सोनभद्र में रखी हुई है, और ये यहाँ पे पार्ले की बिस्किट लेके खा रहा है, इसको बहुत पसंद है पार्ले, तो इसको जो है थोड़ा सा बहुत पसंद क्या, मतलब थोड़ा ही खाता है, ज़्यादा तो खाता नहीं, वो बच्चा एक खा लेता है, तो अभी थोड़ा थोड़ा मुँह कुक लगने लगे, बस लाल वगैरह खिला देते हैं और बस। वहाँ पे धूप में सामान फैला हुआ है, वहाँ फैला हुआ है सामान, ऊपर भी छत पे है, कुछ कपड़े वगैरह हैं और कुछ खाने का सामान है, गेहूँ वहीं छत पे है। मासी नहीं है, मासी भी गई उस साइड खेत की तरफ कहीं, और इतना हरियाली है यहाँ पे, इतना हरियाली है, आप लोग देखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। ये देखिए सामने कितना आ रहा है, ये पूरा यहाँ से जो दिख रहा है पूरा पेड़ पौधा, बस पूरा सारा खेत ही है वहाँ तक, बस सबका खेत है। कल शाम को जब बाहर गई थी ना, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए पेड़ पौधे तो वही हैं, और जो है हरियाली बहुत ज़्यादा है, मतलब खेत इस टाइम पे गेहूँ लगा, अरे सॉरी धान लगा हुआ है ना, इसीलिए रोड है यहीं से सामने से, अच्छा लगता है। इसको देखिए, बदमाश को